कविता है, उछालेंगे शगुफों को, रचेंगे स्वांग संसद में, सही मुद्दों पर बहस होने नहीं देंगे, हमारी ये जिद है कि सुबह होने नहीं देंगे। किसकी गर्दन पकड़े सुधांशु जी, किसकी गर्दन पकड़े, सत्ता पक्ष विपक्ष, क्योंकि तो पहली बार आप लोगों ने कह दिया राहुल गांधी माफी मांगे, अब सबसे बड़ा देश का मुद्दा यही बन गया है। आज जो आपने अभी दृश्य दिखाया वर्तमान सदन का, जरा पिछले सत्रों में याद करिए, ये तो हर सत्र के अंदर यह परिस्थिति है, विगत चार पांच संसद के सत्रों तक याद करिए, यहां तो सिर्फ नारेबाजी हो रही है, वहां तो टेबल के ऊपर चढ़ जाना, सीट के ऊपर किताब फेंकना, राज्यसभा जैसे सदन में माइक खींच लेना, स्पीकर पे हिंसक हमला, ये शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, रूल बुक फेंक के मारी गई है, ऐसा आपने कभी सोचा था? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, सत्र बदल रहे हैं, मुद्दों के बहाने बदल रहे हैं। मैं मुद्दों का बहाना शब्द इसलिए कह रहा हूं, मगर फितरत नहीं बदल रही है, विपक्ष की फितरत वही लगातार बनी हुई है। और जो मैंने आपसे कहा, एक कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है, मगर यहां तो जानते क्या है कि हर सत्र से पहले एक रिपोर्ट विदेश में छपती है, कभी जब जिस जमाने में किसान आंदोलन चलेगा तो वो ग्रेटा थंडबर्ग बोल देंगी, फिर तो कभी पेगासस का मुद्दा आएगा, तो फिर हिंडनबर्ग आएगा, एक हाथ इधर है और दूसरा हाथ सात समुंदर पार है, और सात समुंदर पार के दोनों हाथ ताली बजाते हैं ठीक संसद सत्र से शुरू होने से पहले। और इस बार स्थिति इसलिए हम लोग हिसाब से ज्यादा पीड़ादायक हो गई कि इस बार एक प्रकार से यह पूरे भारत की व्यवस्था को उस ताली के चक्कर में गाली देने वाली बात हो गई। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई उदाहरण बताइए जब किसी नेता ने जाकर विदेश में यह कहा हो कि द सो कॉल्ड, चलिए डेमोक्रेसी खत्म हो रही, वो एक शब्द बोला, द सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी यूरोप एंड अमेरिका, वाई दे आर नॉट गिविंग एनी रिएक्शन। मैं जानना चाहता हूं अपने कांग्रेस के मित्र से, प्रतिक्रिया का मतलब क्या है, भारत का घेराव, भारत पे आर्थिक सैंक्शन, भारत की आलोचना या भारत पे हमला, क्या चाहते हैं? कोई ऐसा उदाहरण बताएं जब किसी ने कहा इसका मतलब तो सीधे सीधे भारत पे जाकर बदनाम करना तो एक चीज है, सीधे विदेशों से भारत में हस्तक्षेप करने की मांग करना ऐसा कभी नहीं हुआ, इसलिए भारत की सार्वभौमिकता सोवरेनिटी ऑफ इंडिया का अपमान है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का अपमान है, कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान है, इसलिए हमने कहा है कि माफी मांगे बगैर काम नहीं हो सकता। लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन तो तब खतरे में पड़ता है अगर ये सच है रोहन जी, राहुल गांधी ने ये कहा कि अमेरिका और यूरोप जैसे देश क्यों चुप है, ये मतलब क्या चाहते हैं वो, क्या रिएक्शन दे वो लोग? देखिए जिस प्रकार की भाजपा की नीति रही है, मैं ही चोर, मैं ही पुलिस और मैं ही जज, चोरी भी ये करेंगे, पुलिस भी ये करेंगे और जज भी बनेंगे कि हाँ इसने चोरी की है। देखिए अंजना जी, कब तक ये लोग देशभक्ति की आड़ में अपनी विफलताओं को छुपाते रहेंगे? मैं यहाँ पे दो सवाल इनके सामने खड़े करना चाहूंगा कि एक बात कि क्या देश की सरकार के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना है? नहीं, भाजपा भारत नहीं है, ये वो पार्टी है जिसने नोटबंदी करके देश की हालत खराब कर दी, ये वो पार्टी है जो चीन ने हमारी इतनी जमीन ले ली और आज तक कहते कोई घुसा नहीं है, ये वो पार्टी के तीन काले कानून देश पर डाल के कम से कम 1000 से ज्यादा हमारे किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। मुद्दा क्या है यहां पर? मुद्दा यह है कि क्या देश की सरकार के खिलाफ जो देश के लोकतंत्र को वीक करती है बाहर जाके बोलना अपराध है? अगर वो अपराध है तो मैं आपके सामने एक वीडियो प्ले करना चाहूंगा, तो अगर ये भी अपराध है बता दे भाजपा के नेता यहां पे जो प्रवक्ता है कि क्या ये अपराध है, तो फिर बताइए कि इसकी सजा क्या है। ये मोदी जी का वीडियो है, ये मेरा वीडियो नहीं है, ये आपके सामने है, ये क्या बोले सुन लीजिए, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये क्या है पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया, हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो चले जाए कहीं और। कौन सा पंजा था ये? कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं देश के बाहर, जो 85 पैसा घिस लेता था सरकार की, आप हैरानी होगी, मैंने आकर के पहले की सरकारें इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने फुटिकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया, आपने सुना होगा सब चुनाव में, मेरी गाड़ी उल्टी है, उनको कानून बनाने में मजा आता था, मुझे कानून खत्म करने में आनंद आता है। अब मुद्दा, वीडियो बड़ा है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुद्दा ये है कि क्या देश की, आप मोदी जी को दे रहे हैं? नहीं, मोदी जी को नहीं दे रहा हूँ, उनकी हकीकत में दे रहा हूँ।
ये टाइम मोदी जी को नहीं, देश के सामने बता रहा हूं कि दो चीजें हैं कि देश की सरकार के खिलाफ देश के बाहर जाके बोलना अगर गुनाह है तो मोदी जी ने भी गुनाह किया, उसकी भी सजा भुगते। देश के खिलाफ बोलना मैं मानता हूं गलत है। और एक मैं इनको चैलेंज देता हूं, इन्होंने दो शब्द यूज किए कि राहुल गांधी ने कहा कि हस्तक्षेप करे और इंग्लिश में वर्ड किया इंटरफेरेंस। अगर ये दो में से एक भी शब्द, एक मिनट, आपकी जो प्रेस है, नहीं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप अपने रवि प्रसाद जी आपकी जो है उनकी प्रेस, मिस्टर प्रसाद की प्रेस देखिए, कहा हस्तक्षेप। मुझे यही प्रॉब्लम है, जो ट्विस्ट करना वर्ड्स को, हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस और प्रतिक्रिया, इसमें फर्क होता है। आप बता दीजिए, राहुल गांधी वाला आप सुना दीजिए, क्या बोला था उन्होंने? राहुल जी ने कहा लोकतंत्र, देश का जो लोकतंत्र है, हमारा देश का लोकतंत्र, वो पूरे जो विश्व है उसका एक विभूषण है, सोने की है। उन्होंने बताया कि ये इसकी हमको रक्षा करना है। और भाजपा सरकार इस जो मैं आ रहा हूं उसी पर, भाजपा सरकार इस लोकतंत्र की नींव को कमजोर कर रही है। जो दूसरे लोकतंत्र है, अमेरिका और यूरोप के लोकतंत्र को ये देखना चाहिए। दैट्स इट। That doesn't mean कि उन्होंने ये कहा कि देश के खिलाफ अटैक करेगा, ये देश के खिलाफ नहीं है। मैं यही कह रहा हूं, इसलिए मैंने कहा कि मैं ही चोर, मैं ही पुलिस और मैं ही जज। इन्होंने फरमान सुना दिया, राहुल गांधी माफी मांगे। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। माफी मांगे, अरे माफी तो आप लोग मांगे नोटबंदी के लिए, माफी मांगे चीन के खिलाफ नहीं बोलने के लिए, माफी मांगे तीन काले कानून करने के लिए, माफी मांगे देश की जनता से झूठ बोलने के लिए, माफी मांगे कि 5 करोड़ ट्रिलियन की इकोनॉमी आप नहीं कर पाए, माफी मांगे कि किसान की आय दुगना नहीं कर पाए, माफी मांगे कि 2 करोड़ के रोजगार आप हर साल नहीं दे पाए। आपको माफी मांगनी चाहिए, हमसे माफी मत मंगवाइए। देश के मुद्दे पे बात आएगी, लोकतंत्र पे खतरा होगा, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, हम दिल से बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे। आपको कितना भी प्रोपेगेंडा करना है कर लीजिए, देश की जनता आपकी। अभी एक माफी के लिए बात कहूं, अभी इनका जाके डिजिटल में रिकॉर्ड करके देखिएगा, इन्होंने कहा 1000 किसानों की डेथ हो गई। इससे पहले सब लोग 700 बोलते थे, किसान आंदोलन खत्म हुए, एक साल हो गया, 300 अलग से कहा डेथ हो गई। भाई आप चेक कर लीजिए ना, उस एक साल में 300 आजकल कांग्रेस के लोगों को ऑडियो विजुअल का बड़ा वो आ गया है, क्योंकि उनको लगता है कि अपनी बात जब न कह पाए तो ऑडियो विजुअल, या फिर समझते सामने वाले जैसे नर्सरी केजी के बच्चे हैं तो ऑडियो विजुअल दिखाना हो। तो अब मैं बताना चाहता हूं, आपने जो मोदी जी का विजुअल दिखाया, इसके दोनों जवाब देता हूं। पहली बात, ये भारतीयों के बीच में बोल रहे थे, किसी औपचारिक विदेशी प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल रहे थे। राहुल गांधी कहां बोल रहे थे? फॉरेन देश के बाहर बोल रहे थे। मैं बोल रहा हूं भारतीयों के बीच में, कहां बोल रहे थे? विदेश की जमीन पे। मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मानने नहीं, आपको सवाल पूछ। और मैं कहना चाहता हूं, जो पाप की बात कही तो मैं याद दिलाता हूं, याद करिए एक मूवी थी वेडनेसडे, जिसमें कि नसीरुद्दीन शाह एक आम आदमी बना है, वो क्या कहता है कि वो दौर आ गया है कि जब कोई आदमी घर से बाहर निकलता है तो उसकी वाइफ फोन कर करके हर 2 घंटे पूछती है, ऑफिस पहुंच गया कि नहीं, चाय पी ली कि नहीं, खाना खा लिया तो नहीं। वो ये नहीं जानना चाहती कि तुमने चाय पी लिया, खाना खाया, वो देश जानना चाहती तुम जिंदा हो कि नहीं। क्योंकि आतंकवाद का वो दौर है कि हर व्यक्ति जब घर से निकलता है तो उसे लगता है मैं जंग पे जा रहा हूं, जिंदा वापस आऊंगा क्या नहीं। और क्या देश था जिसमें दर्जन भर शहरों में धमाके होते थे? चलती ट्रेन में धमाका होता था, बस में धमाका होता था, मॉल के बाहर धमाका होता था, पार्क में धमाका होता था। आदमी ये सोचता था, ये एक अभिव्यक्ति थी कि जिंदा वापस आएंगे नहीं। आदमी जानते क्या सोच के निकलता अच्छा था कि उजाले अपनी यादों के हमारे संग रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और फिर पाप क्या था उस सरकार का? आतंकवाद पे नियंत्रण तो छोड़िए, 2007 में हवाना में जाके कहते हैं आतंकवाद से पाकिस्तान पे पीड़ित है लगता है। और 26/11 का हमला हुआ नवंबर 2008 में, पाप क्यों किया वो मैं बताता हूं। जुलाई 2009 में शर्मल शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन होता है इंडिया पाकिस्तान का, कहते हैं कि शांति वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी। और इतना ही नहीं, बलूचिस्तान उसका हिस्सा होता है, यानी उसका आतंकवाद हमने स्वीकार नहीं किया, अपना स्वीकार कर लिया। इसलिए आप पे वो बात लागू होती है, कहा गया जासूराज बुखारी ते नपसकल नरक अधिकारी, वो पाप था कि नहीं? अरे कौन सी स्क्रिप्ट पढ़ के आए, सुनिए बताइए ना, की बात और पाप तो कहां चले गए भाई, कहां चले गए? यहां पे रहिए ना भाई, यहीं पे रहे ना। अरे हमने सारे उदाहरण देश के बताए, आपने आप बाहर चले गए, सर्टिफिकेट मत बांटिए, देशभक्ति सर्टिफिकेट आपने सारे उदाहरण यहीं के बताए भाई। और एक और बात बताऊं, ये कहते हैं देशभक्ति जिन्होंने बोला इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। अरे इस महान पुण्य भूमि भारत को एक नेता के बराबर तौल दिया, और वो नेता जो हाई कोर्ट के द्वारा भ्रष्टाचार और चुनावी धांधली में दोषी माना गया था, माफी मांगी उसके लिए। आप माफी मांगी, कांग्रेस ने आज माफी मांगी है उसके लिए।